अस्सलामुअलैकुम, कैसा है भाई लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों को दुआ में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को थोड़ा पता हो गया, लेकिन उसका टॉपिक में बात बाद में करेगा। आप लोगों को कुछ बात बतानी है। मेरा चैनल पे अभी 2100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ, आप लोग क्या करता है, वीडियो प्ले करके आधा दिखता है, फिर दूसरे वीडियो में चला जाता है। उसके बाद और क्या करता है, आप लोग कोई लाइक नहीं देता है, कोई कमेंट नहीं करता है। ऐसा नहीं करो ना, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। ओके, आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप लोगों को क्या करना, जब मैं आप मेरा वीडियो प्ले कर रहा है पूरा देखना, उसके बाद आपको कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक देना और अच्छा कमेंट करना। और सेकंड, आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप एक डिसलाइक कर दो, एक कमेंट भी कर दो। उस वीडियो का अंदर ऐसा कुछ गलत किया वो लिख, उस कमेंट से मेरे को सीखना होगा, ये वीडियो ऐसा अच्छा नहीं हुआ, फिर आगे वाला वीडियो मेरे को और भी अच्छा करना है। तो आप लोग कुछ नहीं करता है, फिर मैं कैसे समझाऊं वीडियो अच्छा हो रहा है कि नहीं। वीडियो को फुल देखना, आपको पता है मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ, मैं फुल देखता हूँ। को वीडियो अच्छा लगता है तो मैं एक कमेंट करता हूँ, एक लाइक देता हूँ। अगर अच्छा नहीं लगा मैं डिसलाइक नहीं करता है, लेकिन कमेंट जरूर करता है। कमेंट में लिख दे तो बोलना सही नहीं हुआ, आपका ये सही नहीं हुआ, ऐसा मैं बोल के आता हूँ। सो मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा करो, मेरा वीडियो आप जब देख रहा है प्लीज फुल देखना। उसके बाद आपको वीडियो पसंद आया तो आपको कोई हेल्प मिला तो वीडियो से, तो आप एक अच्छा कमेंट करना, एक लाइक देना। अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक करो और साथ में एक कमेंट कर दो, मैं उस वीडियो का अंदर ऐसा कुछ गलत किया वो लिख दो। तो उसमें क्या होगा, मैं आगे से मेरा वीडियो में मैं वो ठीक करने का कोशिश करें। 2000 से ऊपर से मेरा सब्सक्राइबर है, लोग मेरा वीडियो जो लोग सब्सक्राइब किया वो लोग कभी भी मेरा वीडियो नहीं देखता है। मेरा जितना भी व्यू आता है वो सब चैनल बिना सब्सक्राइब के वाला वो लोग। प्लीज आप जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, उसके बाद मेरा वीडियो देखो, फिर क्या होगा, मेरे को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैं जब इतना मेहनत कर रहा है किसके लिए, आप लोगों के लिए, आप लोग को थोड़ा सपोर्ट के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों को करना चाहिए ना। इस वीडियो का टॉपिक है आपका आईफोन में अगर कोई वायरस आ गया तो आप उसमें उसको कैसे डिलीट कर सकता है। अभी फिलहाल मेरा मोबाइल पे एक वायरस अटैक किया था, जो स्कैमर है वो कैलेंडर पे आया था, उसको मैं कैसे रिमूव किया वो ही आप लोगों को अभी दिखाएगा। आई होप इस वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, जो जो मेरा इस वीडियो को देख रहा है, एक कमेंट करिए #UTS सब बड़ा हाथ का, ये ऐसा एक कमेंट करो, फिर मैं समझूंगा हाँ आप लोग मेरा वीडियो देखता है, पसंद करता है और आप लोग लाइक भी देता है। जो जो इस वीडियो में ऐसा कमेंट करेगा मैं समझूंगा आप लोग मेरा वीडियो पसंद करता है, आप लोग को हेल्प मिलता है। आगे से मैं आप लोग अच्छा टॉपिक का वीडियो लेके आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा हर 2-3 दिन बाद एक वीडियो लेके आने के लिए। काम करता हूँ, आप लोग पता है प्रदेश कैसा है। तो चलिए वीडियो अभी स्टार्ट करता है, मोबाइल स्क्रीन पे जाके आप लोगों को सब दिखाऊंगा कैसे करना है, वो भी बताऊंगा कैसे कैलेंडर वायरस रिमूव करना होता है। वेलकम बैक गाइस, जैसे मैं बोला था आप लोगों को कैलेंडर में आप लोगों को वायरस देखने को मिलता है, तो वही मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देख सकता, ये मेरा कैलेंडर ऐप्स है और आप देख सकता ये एक्चुअली एक स्कैमर है, ये वायरस नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। और इसमें आपको बस कोई ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, तो मैं अभी दिखाऊंगा इसको कैसे आपको रिमूव करना है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको मिनिमाइज करना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। ओके, सो इधर आके आपको नीचे की तरफ जाना है, उसके बाद आप देख सकते हैं पासवर्ड लिखा है, तो इसका अंदर होता है जो iOS 14-13 का नीचे जो वर्शन है उसमें आपको इसके अंदर लिखा होता है पासवर्ड एंड अकाउंट। सो ये iOS 14 है, ये देख सकता है ये मैसेज आया, ये क्लीन योर फोन फॉर पेंटेल थ्रेड्स क्लिक नाउ। तो ये रहा कैलेंडर का वायरस है, तो आप देख सकता है ये रहा इसका ये वायरस है।
तो ये रिमूव करने के लिए आपको जाना सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है कैलेंडर पे, उसके बाद आपको जाना है अकाउंट पे, आप देख सकते हैं जो सब्सक्राइब कैलेंडर, इसके अंदर जाके आपको फिर इसके अंदर जाना है आप, उसके बाद आप देख सकते हैं इधर डिलीट अकाउंट, सो इधर आपको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अभी हम लोग कैलेंडर पे जाता है, देखता है वो वायरस है कि नहीं, देख सकता है ये वायरस नहीं है, पूरा चला गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, तो मैं सोचा इसीलिए एक वीडियो बना दूं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।